आज से ठीक एक साल पहले 5 जुलाई 2023 में अगर आप IRFC का शेयर 1000 क्वांटिटी 30 रुपए से खरीदते ना, तो आज के दिन वही पैसा 1,77,000 बन जाता। एंड अगर आप 1000 के बदले 2000 के खरीदते तो वो हो जाता 3,40,000। अगर आप 2000 के बदले 4000 का क्वांटिटी लेते तो वो हो जाता 6,80,000। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी भी 50 रुपए से कम में है एंड वो शेयर्स विद इन ईयर बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए जाते सीधा मोबाइल के स्क्रीन पर एंड जान लेते कि वो 5 पेनी स्टॉक्स कौन सा है जो विद इन ईयर बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना ग्रो का प्रोफाइल यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जो 5 आप लोगों को पेनी स्टॉक्स के बारे में बता रहा था, सबसे पहले नंबर में मैं जो स्टॉक्स को रखा है उसका नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये एक ऐसा स्टॉक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पर शेयर ये चल रहा है 4.15 रुपीस करके। ये जो कंपनी है एक टेलीकॉम सर्विस कंपनी है जो आगे जाके बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। तो यहाँ पे इसका अगर प्रीवियस रिकॉर्ड में आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए, मैं 1 वीक का रिकॉर्ड अगर चेक करूँ कि 1 जुलाई में इसका जो प्राइस था 3.43 रुपीस, उसके बाद ये बढ़ के आ गया 3.60 रुपीस, उसके बाद 3.78। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर दिन ये कितना रुपीस करके यहाँ पे बढ़ रहा है एंड 27.69% यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये 4 जुलाई का है, ठीक है, पिछले दिन का है। अगर आप 3.96 रुपीस से 3000 शेयर भी लेते हैं तो एक दिन में वो बढ़ के कितना हो जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 3.96, ठीक है, इसका अगर मैं 3000 शेयर लेता हूँ क्वान्टिटी इंटू 3000, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,880 रुपये होता है, ठीक है। अभी कितना हो गया 4.15, 11,880 रुपये अगर होता है तो एक दिन में कितना आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं 4.15 × 3000 कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन में यहाँ पे ये बढ़ के हो जाएगा 12,450, लगभग आपका 1000 का यहाँ पे एक दिन में प्रॉफिट बनेगा। ये बहुत ही कम प्राइस में चल रहा है एंड आने वाले टाइम पे और भी तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका 1 ईयर का दिखा देता हूँ ना आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2023 में लगभग 0.99 रुपीस था, ठीक है, अभी बढ़ के कितना हो गया है। अगर मैं जुलाई का ही दिखाऊँ, अभी जैसे कि जुलाई चल रहा है, मैं यहाँ पे आपको जुलाई का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जुलाई में इसका कितना था, 0.82 रुपीस। ये डबल से भी ज़्यादा आपको एक साल में दे रहा है, डबल से भी 3 गुना 4 गुना ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो मैं बहका जाता हूँ नंबर 2 में जिस स्टॉक्स को मैंने रखा है उसका नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये एक एनर्जी है जो कि आगे जाके और भी तेजी से ग्रो करने वाले। बस हमें याद रखना होगा कि कौन से इंडस्ट्री आगे जाके बहुत तेजी से ग्रो करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसका 1 वीक का रिकॉर्ड चेक करूँ, जैसे कि अभी प्राइस बहुत ही कम चल रहा है, ठीक है, अभी देखिए ये 17 रुपये गया था, देन अभी गिर के ये कितना हुआ है 16.99। तो अभी काफ़ी अच्छा चांसेस है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेते तो कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो इसका अगर मैं 1 मंथ का रिकॉर्ड चेक करूँ, यहाँ पे 16.29 था। अगर 1 ईयर का रिकॉर्ड चेक करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में इसका जो प्राइस था, अक्टूबर में है ये, मैं जुलाई में चला जाता हूँ, ठीक है, जुलाई में लगभग इसका था 4 रुपये, ठीक है, 13 जुलाई। एक साल पहले अगर आप 4 रुपये से अगर आप 5000 क्वांटिटी का शेयर भी लेते तो आज वो कितना होता, मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। 4.74 अगर आप 5000 क्वांटिटी में लेते हैं तो यहाँ पे कितना होता, देखिए 23,700 रुपये का अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो होता कितना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी चल रहा है 16.99 × 5000 क्वांटिटी। तो अभी आप देख सकते हैं लगभग 84,950 रुपीस में ये चला जाता। उसके बाद नंबर 3 पे मैं जिस स्टॉक्स को रखा है उसका नाम है LCC इन्फोटेक, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका भी प्राइस लगभग 4.32 रुपीस चल रहा है। अगर मैं इसका पहले का रिकॉर्ड चेक करूँ, 1 वीक पहले का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रुपीस था 1 वीक पहले, 1 जुलाई को। अगर मैं 1 मंथ का रिकॉर्ड चेक करूं, यहाँ पे 7 जून को ये 3 रुपीज़ था। अगर मैं 1 ईयर का रिकॉर्ड चेक करूं, ये देखिए 1.87 रुपीज़ में था ये नवंबर में, 22 नवंबर में, ठीक है। ये एक साल में ना ये भी आपको डबल से यहाँ पे दिया गया, 17 जुलाई में ये 2.33 रुपीज़ था। चलो इसको भी कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते, ठीक है। तो एक साल पहले 2.33 था, अभी 4.32 है, ठीक है, 2.33 × 5000 क्वांटिटी, 11,650 अगर उस टाइम पे इन्वेस्ट करते तो आज कितना होता, 4.33
इंटू 5000 क्वांटिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,000। तो इस तरीके से आपको शेयर्स को पहचानना है एंड उसका रिकॉर्ड चेक करना है, देन आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी देखिए ये इस साल में मई के बाद देखिए सीधा 2.188 से शुरू करके ये चला गया है 4.32। जब भी ना इसका मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा उस टाइम पे ना चांसेस मिस मत करना। अभी मान लीजिए देखिए यहाँ पे 3.01 था, अभी ये गिर के आया था 1.98 में, उस टाइम पे अगर आप खरीद ले तो यहाँ पे जब भी बढ़ जाता है उस टाइम पे आप सेल कर सकते थे, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे चांसेस आएंगे और ये दिन में कितना बढ़ रहा है ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वन वीक में पहले कितना था, एक दिन के बाद कितना हो रहा है, उस हिसाब से अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आप लेते हैं तो एक दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग देख पाएंगे। तो नंबर 4 में जो हमारे पास है मोनोटाइप इंडिया, एक कैपिटल मार्केट्स हैं, ठीक है। वन वीक का रिकॉर्ड अगर चेक करूं 28 जून में इसका जो प्राइस था 0.93 रुपीस, अभी जाके कितना हो गया 1.10 रुपीस, ठीक है। देखिए इसका भी कैलकुलेशन करके मैं आपको बता देता हूं कि ये वन मंथ में कितना रिटर्न देते हैं। तो अभी देखिए इसका अभी कितना तारीख है, आज है 5 जुलाई, ठीक है, अभी 1.10। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए दो दिन का यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 4 जुलाई में कितना था, वन वीक का आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी 5 जुलाई है ना, तो मैं 28 जून का आपको दिखा देता हूँ। 28, ये आपका 2 जुलाई है, ये आपका 28 जून, मतलब 0.94। अगर आप एक हफ्ता पहले 0.94 से 5000 का क्वांटिटी लेते, ठीक है, मतलब 1 रुपए से भी कम प्राइस का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 0.94 इंटू 5000 क्वांटिटी, तो 4700 का अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 5000 क्वांटिटी में, तो अभी जाके कितना होता, अभी कितना चल रहा है 1.10, 1 रुपए 10 पैसे। तो अभी हम लोग 1.10 इंटू 5000 क्वांटिटी करेंगे, देखिए 5500। तो ऐसे आपको बेनिफिट्स दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको रिकॉर्ड चेक करना है कि वन ईयर में कितना दे रहे हैं, कौन सा कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न्स हमें दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता करना है। उसके साथ साथ हमें इसका जब ये प्राइस गिरता है उसका भी हमें देखना है कौन से टाइम में प्राइस गिर रहा है, ताकि उस टाइम पे हम लोग उसे खरीद पाए कम से कम प्राइस में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 जून के बाद क्या हुआ था, 1 रुपए से गिर के कितना आ गया 0.90 रुपीस में। इस टाइम पे अगर आप खरीद लेते तो बहुत कम में मिलते हैं एंड ये उसके बाद ही देखिए तुरंत ये ग्रो कर गया है, ठीक है। तो ऐसे हमें स्टॉक्स को खरीदना है। एंड सबसे लास्ट मैं जिस स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसका प्राइस थोड़ा सा अभी इंक्रीज हो गया है 50 रुपए से, जैसे कि ये वीडियो का मतलब यही था कि 50 रुपए से नीचे कौन सा स्टॉक्स है। अभी मैं जिस स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आपका 50 रुपए से थोड़ा इंक्रीज हो गया है, लेकिन ये स्टॉक्स भी अगर आप लेते हैं ना आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिखेगा। खुद भी यहाँ पे लेके रखा है, देखिए सुजलॉन एनर्जी जो कि एक एनर्जी कंपनी है, जो मैं एक वीक का रिटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ दिन पहले ये 5.3 रुपीस था, अगर मैं वन ईयर का कर लेता हूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जुलाई में, ठीक एक साल बाद, आज 5 जुलाई है 2023 का, 5 जुलाई में इसका कितना था 17.46, ठीक है। अगर मैं उस टाइम पे इसका 20,000 लॉट भी ले लेता ना, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। अभी 55.48 चल रहा है, ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन करके अभी देखेंगे 17.46 इंटू 20,000 क्वांटिटी, तो कितना पैसा बनता है। अगर मैं उस टाइम पे 3,49,200 रुपए का खरीद लेता 20,000 क्वांटिटी, तो अभी जाके कितना होता, तो अभी चल रहा है 55.48, तो अभी 55.48 इंटू कितना करेंगे 20,000 क्वांटिटी, तो कितना पैसा होगा, ये 11 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वो 5 पेनी स्टॉक्स जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आने वाले टाइम पे आपको बहुत रिटर्न्स मिलने वाला। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड हमारे चैनल के साथ लोग जरूर से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों लास्ट मैंने 2-3 वीडियोस में मैं बताया था कि डिलीवरी ट्रेड कैसा करना होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना होता है, एंड उन सारी वीडियोस का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मिलते ही ऐसे अगले कोई नए वीडियो में, आज के लिए इतनी, थैंक यू।